हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज हम मोती डिज़ाइन थालपोश का एक बहुत ही न्यू पैटर्न है ये बनाना देखेंगे। ये एक बहुत ही सुंदर पैटर्न है और हम इस पैटर्न में बेल शेप पेटल्स बनाते हैं। इस थालपोश का डायामीटर लगभग 11.5 इंच है। हम इस थालपोश को जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। इस थालपोश को हम लेयर्स में बनाते हैं तो हम हर लेयर में अलग अलग कलर भी ले सकते हैं। इस थालपोश को हम सेंटर पीस, टेबल मैट या फिर कॉर्नर पीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। थालपोश के लिए मैंने 3-ply में पर्पल और येलो कलर की ऊन 100 ग्राम्स ली है। यहाँ पर मैंने 2 कलर्स लिए हैं। हम इस थालपोश को राउंड्स में बनाते हैं तो हम हर राउंड के लिए अलग अलग कलर भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 8 mm के गोल्डन मोती लिए हैं। हम इसकी जगह व्हाइट मोती भी ले सकते हैं। क्रोशे का 3 mm का हुक लिया है, सुई ली है और कैंची ली है। तो आइए शुरू करते हैं। थालपोश के लिए सबसे पहले हम पर्पल धागे से स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 4। इसके बाद अब ये जो पहली और चौथी चेन है इसे हम स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ ये छोटी रिंग तैयार हो गई है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। इस 3 चेन को हम पहले डबल क्रोशे के तौर पर गिनते हैं। थालपोश के इस पहले राउंड में हमें टोटल 14 डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 चेन मिलाकर 1 डबल क्रोशे बन गया है। तो अब हम इस रिंग में 13 और डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये 1, 2, 3, 4, मैंने 14 डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम ये जो पहली स्टिच है और आखिरी स्टिच है इन दोनों को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो अब ये हमारा पहला राउंड पूरा हो गया है। दूसरे राउंड के लिए हम धागा बदलेंगे। तो अब मैं यहाँ पर इस धागे को काट लेती हूँ और 1 चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। दूसरे राउंड के लिए मैंने येलो धागे को जोड़ लिया है। थालपोश का ये फ्लावर पैटर्न है और इस फ्लावर पैटर्न के लिए हमें बेल शेप पेटल्स बनानी है। बेल शेप पेटल्स 3 राउंड्स में पूरी होती हैं। तो अब इसके बाद के ये जो 3 राउंड्स हैं, ये 2nd, 3rd और 4th राउंड, हम इन्हें येलो धागे से ही बनाएंगे तो ही हमारी बेल शेप पेटल्स पूरी होंगी। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हम ये जो पहली स्टिच है इसमें 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमें टोटल 1 स्टिच में 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये इस तरह से। अब दूसरी स्टिच में भी हम 3 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये 1, 2 और ये 3। पहले राउंड में हमने टोटल 14 डबल क्रोशे बनाए हैं और दूसरे राउंड में हम हर स्टिच में 3-3 डबल क्रोशे बना रहे हैं, यानी इस दूसरे राउंड में हम टोटल 42 डबल क्रोशे बना रहे हैं। मैंने दूसरे राउंड को पूरा कर लिया है। अब हम ये जो पहली और आखिरी स्टिच है इन्हें स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। तीसरे राउंड के लिए हम सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। अब यहाँ इसकी अगली स्टिच को छोड़ देंगे और ये जो तीसरी स्टिच है इसमें 1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इस तरह से। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे, नीचे की 1 स्टिच छोड़ देंगे और अगली स्टिच में 1 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। इस तरह से।
तो यहाँ सबसे पहले हमने ये तीन चेन बनाई और उसके बाद हमने दो चेन बनाई और फिर हमने ये एक डबल क्रोशे बनाया और ये जो दूसरी स्टिच है इसे हमने छोड़ दिया। तो अब मैं इसी तरीके से इस पैटर्न को इस तीसरे राउंड में पूरा कर लेती हूँ। मैंने तीसरे राउंड को पूरा कर लिया है और यहाँ सबसे लास्ट में दो चेन बनाने के बाद अब हम ये जो पहला डबल क्रोशे है, हमने तीन चेन बनाई थी, तो इस तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच करते हुए इस आखिरी स्टिच को जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम धागे को काट लेंगे। हमें तीसरा राउंड भी येलो धागे से ही बनाना है, लेकिन अब हमें इस तीसरे राउंड के लिए येलो धागे में मोती पिरोने हैं। चौथा राउंड शुरू करने के पहले हम येलो धागे में सुई की मदद से 25 के लगभग मोती पिरो लेंगे। चौथे राउंड में हमें वैसे 21 मोती ही लगने हैं, लेकिन हम 3-4 मोती ज़्यादा ले लेंगे। मैंने सारे मोती पिरो लिए हैं। चौथे राउंड के लिए मैंने येलो धागे को इसी स्टिच में जोड़ लिया है। सबसे पहले अब हम दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो, और हम इस दो की चेन को ये जो अगला डबल क्रोशे है इसकी स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब हम टर्न करेंगे ये इस तरह से, तो अब ये पीछे की साइड आ गई है। अब हम ये जो दो चेन की स्पेस है यहां पर एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये तीन चेन मिलाकर एक डबल क्रोशे, इसके बाद हमने ये दूसरा डबल क्रोशे स्टिच बनाया। अब इसके बाद हमने ये जो मोती पिरोए हैं, हमें तीसरी स्टिच में इस मोती को लेना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले धागे को हुक पर लेंगे और ये स्पेस में से क्रोशे के हुक को निकालते हुए ये इस तरीके से तीन लूप्स तक स्टिच बनाएंगे। अब ये जो मोती है, हम इस मोती को ये इस तरीके से लेंगे। अब हम फिर से धागे को ऊपर लेंगे और पहली दो स्टिचेस में से एक बार और फिर से ये लास्ट की स्टिचेस में से इसे निकालते हुए ये इस तीसरी स्टिच में मोती को ले लेंगे। अब इसके बाद हम इसी स्पेस में दो और डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी इस दो चेन की स्पेस में हमें टोटल 5 डबल क्रोशे बनाने हैं और तीसरी स्टिच में हमें मोती को लेना है, ये इस तरह से। अब हम फिर से टर्न करेंगे। यहाँ पर ये तीसरी स्टिच में हमने ये मोती लिया है, तो हम ये देख सकते हैं। अब यहाँ टर्न करने के बाद ये जो पहला डबल क्रोशे स्टिच है इसके पहले के राउंड का, हमें यहाँ पर 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये जो पहला डबल क्रोशे है, हम इस स्पेस में 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये एक, ये दो, तीन, चार और ये 5। अब हम ये इस तरीके से ये जो हमने बेल शेप पेटल बनाई है इसे फोल्ड करेंगे और ये जो अगला डबल क्रोशे स्टिच है इसके पहले के राउंड का, हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए इस पेटल को जोड़ लेंगे, ये देखिए, ये इस तरह से। तो अब ये हमारी बेल शेप पेटल तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम फिर से
दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो। अब हम इस दो की चेन को अगले डबल क्रोशे स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन, ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम टर्न करेंगे। अब ये जो दो चेन की स्पेस है, यहाँ पर हम फिर से एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब इसके बाद के तीसरे डबल क्रोशे स्टिच में हमें मोती लेना है, तो हम इसके लिए डबल क्रोशे को ये आधा ही बनाएंगे। अब हम मोती को लेंगे और इस डबल क्रोशे स्टिच को पूरा करेंगे। तो यहाँ पर ये तीसरे डबल क्रोशे में मोती आ गया है। अब हम फिर से ये इसी स्पेस में दो और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो ये एक और ये दो, यानी यहाँ पर हमने टोटल दो चेन की स्पेस में पांच डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम फिर से टर्न करेंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम ये जो इसके पहले के राउंड का डबल क्रोशे स्टिच है, हमें ये इस स्पेस में पांच डबल क्रोशे बनाने हैं। तो हम धागे को ऊपर लेंगे और इस स्पेस में पांच डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक दो तीन चार और ये पांच। अब हम ये स्टिच को, ये जो डबल क्रोशे स्टिच है इसके पहले के राउंड का, हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो ये दूसरी बेल शेप पेटल भी तैयार हो गई है। अब हम फिर से दो चेन बनाएंगे और इसे इस डबल क्रोशे स्टिच में स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ेंगे और फिर से हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे और इस पूरे राउंड में हम ये बेल शेप पेटल्स को बना लेंगे। मैंने सारी पेटल्स पूरी कर ली हैं और यहाँ सबसे लास्ट में हम ये जो पांच डबल क्रोशे हैं इन्हें हम ये पहली स्टिच के साथ स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, इस तरह से। अब इसके बाद हम धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। तो अभी ये हमारा चौथा राउंड पूरा हो गया है। इस चौथे राउंड में मैंने टोटल 21 पेटल्स बनाई हैं। पांचवें राउंड के लिए हम पर्पल धागा लेंगे, तो हमें यहाँ इस पर्पल धागे को, इसके पहले के राउंड में हमने ये जो बेल शेप पेटल्स बनाई थी तो हमने ये दो चेन ली थी, तो हमें इसी स्पेस में इस पर्पल धागे को जोड़ना है। ये इस तरह से। अब हम तीन चेन बनाएंगे, एक दो और ये तीन, ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब इसके बाद हम इसी स्पेस में दो और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और ये तीन चेन मिलाकर तीन डबल क्रोशे बन जाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद की ये जो अगली दो चेन की स्पेस है, यहाँ पर भी हम तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये दो और ये तीन। अब हम फिर से अगली स्पेस में तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। यहाँ पर हमें हर दो चेन की स्पेस में तीन तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाने हैं।
रही इस तरह से। तो अब मैं इस राउंड को पूरा कर लेती हूँ। मैंने पांचवें राउंड को पूरा कर लिया है और यहाँ हर दो चेन की स्पेस में मैंने तीन तीन डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम ये जो सबसे पहली स्टिच है इसके साथ इस आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। हमने इसके पहले के राउंड में टोटल 21 पेटल्स बनाई थी और यहाँ पर ये हर दो चेन की स्पेस में मैंने तीन तीन डबल क्रोशे बनाए हैं, यानी यहाँ पर अब हमारे टोटल 63 डबल क्रोशे स्टिच बन गए हैं। हम इस तीन चेन के डबल क्रोशे के बदले चार चार डबल क्रोशे स्टिच भी बना सकते हैं। ये हमारे धागे के थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें यहाँ पर तीन डबल क्रोशे बनाने हैं या चार डबल क्रोशे बनाने हैं। अब हम इसके बाद के राउंड के लिए सबसे पहले ये तीन चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम दो चेन बनाएंगे। अब इसके बाद हम ये अगली स्टिच छोड़ देंगे और इसके बाद के स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। हमने इसके पहले के राउंड में भी इसी पैटर्न को बनाया है। अब हम फिर से दो चेन लेंगे, ये अगली स्टिच छोड़ देंगे और इसके बाद की स्टिच में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, इस तरह से। तो अब मैं इसी पैटर्न को इस पूरे छठवें राउंड में बना लेती हूँ। मैंने इस राउंड को पूरा कर लिया है और यहाँ राउंड पूरा करने के बाद हम ये देख सकते हैं कि यहाँ दो चेन बनाने के बाद नीचे एक भी स्टिच बची नहीं है। इसके पहले हमने बीच में हर बार एक एक स्टिच को छोड़ा है, लेकिन यहाँ पर हमने टोटल ये 63 डबल क्रोशे बनाए थे, तो इसीलिए यहाँ पर एक भी स्टिच हमारी बची नहीं है। लेकिन हम फिर भी इस दो की चेन को पहले डबल क्रोशे के साथ जोड़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो सबसे पहला डबल क्रोशे है, तो ये तीन चेन है, इसके ऊपर की स्टिच के साथ इस दो की चेन को जोड़ लेंगे, क्योंकि इसके बाद के राउंड में हम बेल शेप पेटल्स बनाएंगे और बेल शेप पेटल्स को हम ये इसी दो चेन की स्पेस में बनाएंगे। तो इसलिए यदि हमारी लास्ट में एक भी स्टिच बचती नहीं है तो भी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस राउंड के बाद धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। इस राउंड में हमें टोटल 32 मोती लगने हैं, लेकिन हम 3-4 मोती ज़्यादा लेते हुए 35 के करीब मोती पर्पल धागे में पिरो लेंगे। तो ये 1, मैंने सारे मोती पिरो लिए हैं। अब हम इस धागे को ये जो स्टिच है यहाँ पर जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब इस राउंड में हम सबसे पहले दो चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। इसके बाद हम इस दो की चेन को, ये जो अगला डबल क्रोशे स्टिच है, हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे। हमने इसी पैटर्न को, येलो कलर की ये जो पेटल्स बनाई थी उस समय हमने इसी पैटर्न को बनाया था। अब हम इसी पैटर्न को इस पर्पल धागे में रिपीट करेंगे। ये दो चेन बनाने के बाद अब हम तीन चेन बनाएंगे। ये हमारा पहला डबल क्रोशे स्टिच बन गया। अब हम टर्न करेंगे। अब इसके बाद हम ये दो चेन की स्पेस में एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो अब यहाँ पर ये दो डबल क्रोशे बन गए हैं। अब हमें इस तीसरे डबल क्रोशे स्टिच में मोती लेना है, तो हम इसके लिए इस डबल क्रोशे को आधा ही बनाएंगे। अब हम धागे में से ये इस मोती को इस डबल क्रोशे स्टिच में ले लेंगे और इस तीसरे डबल क्रोशे को पूरा कर लेंगे, ये इस तरह से। अब हम इसी स्पेस में दो डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 और ये 2। इस स्पेस में हम टोटल 5 डबल क्रोशे बनाते हैं। दो डबल क्रोशे के बाद तीसरे में हम मोती लेते हैं और फिर से दो डबल क्रोशे बनाते हैं। अब हम फिर से टर्न करेंगे, ये इस तरह से। इसके बाद ये जो इसके पहले के राउंड का डबल क्रोशे है, यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये 1, ये 2,
तीन, चार और ये पांच। यहाँ पर हमने पांच डबल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम इस पांच डबल क्रोशे को ये जो पहला डबल क्रोशे है यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे इस तरह से। तो अब ये बेल शेप पेटल तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम फिर से दो चेन बनाएंगे। इस दो की चेन को हम ये अगले डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे और फिर से हम इसी पेटल के पैटर्न को इस पूरे राउंड में बनाएंगे। तो अब मैं इसी तरीके से इस राउंड को पूरा कर लेती हूँ। मैंने सातवें राउंड को पूरा कर लिया है और इस राउंड में मैंने टोटल 32 पेटल्स बनाई हैं और ये पर्पल और येलो कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर दिख रहा है। इसके पहले के चौथे राउंड में मैंने टोटल 21 पेटल्स बनाई थी। अब हम धागे को काट लेंगे। और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे। इस तरह से। आठवें राउंड के लिए हम ये जो पेटल्स हैं इसके पीछे ये जो दो चेन की स्पेस है यहाँ पर येलो धागे को जोड़ लेंगे। इसके बाद के तीन राउंड यानी कि आठवां, नौवां और दसवें राउंड को हमें येलो धागे से ही बनाना है। हम इस थालपोष को जितना बड़ा बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर हमें ये जो तीन राउंड्स हैं ये दूसरा, तीसरा और चौथा राउंड या फिर ये पांचवा, छठवा और सातवां इन्हीं तीन राउंड्स को हमें रिपीट करना है। हम इस थालपोष के पैटर्न में हर राउंड में अलग अलग कलर्स को भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं दो कलर्स ले रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर येलो धागा जोड़ लिया है। सातवें राउंड में मैंने टोटल 32 पेटल्स बनाई है। अब हम आठवें राउंड में ये जो दो चेन की स्पेस है इसमें तीन तीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये हर दो चेन की स्पेस में तीन तीन डबल क्रोशे बनाएंगे तो इस हिसाब से हमारे टोटल 32 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि टोटल 96 डबल क्रोशे स्टिच बन जाएंगे। तो इस हिसाब से इस आठवें, नौवें और दसवें राउंड में ये जो बेल शेप पैटर्न है ये टोटल हमारा 48 पेटल्स का बनेगा। ये जो चौथा राउंड है इसमें मैंने टोटल 21 पेटल्स बनाई हैं। ये जो सेवेंथ राउंड है इसमें मैंने टोटल 32 पेटल्स बनाई हैं। तो फिर इसी तरीके से टेंथ राउंड में मेरी टोटल 48 पेटल्स बनेंगी। यहाँ पर मैं ये जो दो चेन की स्पेस है इसमें तीन डबल क्रोशे ले रही हूँ। यदि हम चाहें तो इसमें चार डबल क्रोशे भी ले सकते हैं। यदि धागा बहुत ही पतला है तो हम यहाँ चार डबल क्रोशे भी ले सकते हैं और यदि धागा मोटा है तो हम यहाँ दो डबल क्रोशे भी ले सकते हैं। हमें धागे के हिसाब से डबल क्रोशे स्टिच कितने लेने हैं ये हमें धागे के हिसाब से देखना है। तो अब मैं इसी तरीके से अल्टरनेट ये जो येलो और पर्पल धागा है इन्हें बदलते हुए मेरे पास जितनी भी ऊन है उससे इस थालपोष को पूरा कर लेती हूँ। अब ये मैं येलो धागे से बना रही हूँ। इसके बाद के जो तीन राउंड्स आएंगे वो मैं पर्पल धागे से बनाऊंगी। तो अब मैं इसी तरीके से अल्टरनेट धागे बदलते हुए मेरे पास जितनी भी ऊन है उस हिसाब से इस मोती थालपोष को पूरा कर लेती हूँ। मैंने थालपोष को पूरा कर लिया है और हमारा ये मोती थालपोष बहुत सुंदर दिख रहा है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही में नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए।